रात्रि क्लास चल रहा था 21 जुलाई 1968 तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। विश्व के मालिक स्वर्ग के मालिक भी तुम हो चुके हो, लेकिन अभी तो पतित तो हो ना, तो भले पतित तो हो चुके हो परंतु जितना जितना याद करते जाएंगे इतना पावन होते ही जाएंगे। तो पावन होने से बहुत अच्छा पद मिलेगा। चाहे स्त्री चोला हो चाहे पुरुष चोला हो, स्त्री चोला होगा तो याद करने से स्त्री चोले के बीच में बहुत ऊंचा पद मिलेगा। याद करेंगी तो, परंतु थोड़ा मिलेगा, उतना नहीं जितना पुरुषों को। उसमें भी जो अब्बल नंबर षष्ठ रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पार्ट बजाने वाला पुरुष है तो देहभान तो छोड़ना पड़े ना, नहीं छोड़ेंगी तो सजा खाएंगी। पिछाड़ी में भी ये है ना, अक्षर तो है ना सजा खाने का, फिर भी ये गीता है, कोई दूसरी चीज नहीं है। नहीं, इसी गीता का पुरुषोत्तम संगम युग के समय में ये गायन था कि भगवान आया था और ये राजयोग सिखाया था। ये किसी को भी मालूम नहीं है कि गीता के द्वारा राजयोग सिखाया था। ये तो सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। कोई को समझते हैं, कोई समझते नहीं है। देखो कितने मकान लेते हैं, लेते ही रहते हैं। तुम सब बच्चों को सर्विस करने के लिए घड़ी घड़ी सुनते हो, सुनाएंगे औरों को भी तो खुद को भी याद रहेगा और उनको नहीं सुनाएंगे तो खुद को भी याद नहीं रहेगा। इसलिए बाप बच्चों को भी कहते हैं घर घर में भले ये चित्र रख दो और अपना वो बैज भी लगाओ तीन मूर्तियों वाला, और बाहर में भी लगाओ घर में भी लगाओ, तो घर घर में गीता पाठशाला हो जाएगी। बाबा ने तो बताया ना, गली गली में गीता पाठशाला होगी। इक्कीस जुलाई 1968 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। तो आत्माएं जरूर कोई न कोई पंजे में आवेंगी।
अगर घर में गीता पाठशाला होगी, क्योंकि चित्र तो लगे हुए हैं। अच्छा, एक आवेगी, दो तीन, जरूर घर में कोई न कोई आवेगी जरूर। जैसे बाबा ने कह दिया ना, बच्चे बाहर में बोर्ड टांग करके लिख दियो, उस बोर्ड में कि आ करके समझो, अंदर आकर के समझो। अगर ऐसा करेंगे तो एक सेकंड में भी तुमको बेहद के बाप से विश्व की बादशाही कैसे मिलती है वो जान जाएंगे। अब ये तो समझाना सीधी बात है ना, एक सेकंड में बेहद के बाप परमपिता परमात्मा से बेहद की बादशाही कैसे मिलती है। और कैसे मिलती है और किसने ली थी वो भी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। नाम ही है जनक को, जन्म माने जन्म लेना, का माने करना। एक सेकंड में जन्म लेकर जीवन मुक्ति पाना। और बेहद की बात सही पा, तो बड़ी बात सुनेंगे। शास्त्रों ने तो ये बड़ी बात नहीं बताई। उन्होंने तो एक जनक का नाम लिया, सीता का बाप था। अब उन्हें तो पता ही नहीं है कि तुम सब सीताएं हो। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली तो एक ही आत्मा राम की है ना बच्ची। तो वो बोर्ड पढ़ने वाले कहेंगे, अच्छा जा रहे देखें। तो बोर्ड में भाइयों और बहनों भी लिख देना है, आओ गीता पाठशाला में अंदर आओ भाइयों और बहनों। तो देखो तुम्हारी कितनी दुकान निकल जाएगी, ढेर के ढेर आवेंगे, बड़ी दुकान हो जाएगी। इसमें तुम्हारा पति क्या करेगा? किससे बोला? कोई तो मुख्य माता कोई होगी ना जिससे पहले बोला होगा और जिसको इमर्ज करके बोला होगा। जगदम्बा, तुम्हें डर हो कि हमारा पति नहीं करने देगा? तुम बोलो, हम तो सिर्फ पैगाम देते हैं और तो कुछ नहीं करते हैं। जिसका तुम्हें डर हो है? क्योंकि जो अंदर आ जावे उनसे भी बताओ कि हाँ जो तुम आए हो सभी हैं, पति को भी बताओ, इनको आने के लिए छुट्टी है ना, कि तुम छुट्टी भी नहीं दोगे।
आगे आगे चल करके जो टाइम आएगा आता जाएगा तो तुम करेंगी जरूर ऐसी सेवा, समझा। बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे जाकर के करो, कहां जाके करो है? अपने घर में जो तुम्हारा पति का घर है, पति बनाया हुआ है ना, हाँ, वहां जाकर के सेवा करो ऐसे ऐसे। तो जितना जो करेगा इतना पाएगा, जितना जितना किसका कल्याण करेंगे इतना तुम अपना ही कल्याण करेंगे, और अपने कल्याण को बढ़ावेंगे। तो बच्ची किसको कहा बच्ची है? बच्चियों में जो बड़े पे बड़ी बच्ची है वो कौन सी बच्ची है? है? जगदम्बा बच्ची है, शास्त्रों में भी नाम है। क्या नाम है? शिव पुराण में नाम है विजया बच्ची। उन्होंने तो लिख दिया है प्रजापति। शास्त्रों शास्त्रकारों को पता ही नहीं है कि पति पहले होता है कि प्रजापिता है, पहले होता है। तो ये बात बच्ची नोट कर दियो बुद्धि में, लिख दियो बुद्ध रूपी डायरी में। और ऐसा करना तो सहज है ना। अरे अच्छे बड़े अक्षरों में लिख दियो, हाँ, जो घड़ी घड़ी याद आवे। घरों में क्या लिख देना चाहिए? अरे दुकानों में लिख देना चाहिए। कौन सी दुकान? गीता पाठशालाओं में लिख देनी चाहिए, बहुत आते हैं। दुकान में श्रृंगार सामान कपड़ा लेने के लिए, कौन सा श्रृंगार, कौन सा सामान, कौन सा कपड़ा? देह को श्रृंगार करने का, देह को श्रृंगार करने का नहीं, पहले तो आत्मा बीज का श्रृंगार करना होता है। ढेर सारा सामान होता है, कपड़ा भी होता है, है? कपड़ा कौन सा? ये शरीर रूपी कपड़ा, वो भी तो श्रृंगारित तो हो जाएगा जब आत्मा सुधर जाएगी। तो इतना जरूर है। तो कोई ना कोई, जैसे यहां प्रदर्शनी है ना बच्ची, है? जगदम्बा से बात की, प्रदर्शनी की, तो कौन सी प्रदर्शनी की बात है जगदम्बा में बैठेगी? हाँ, ज्ञान रतनों की। ज्ञान रतन तो बेसिक में भी मिलते हैं। हाँ, चैतन्य ज्ञान रतन, ज्ञान रतन तो चैतन्य आत्मा के द्वारा ही मिलते हैं। लेकिन जो प्रदर्शनी है वो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी नहीं है, चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी है। तो ऐसे ऐसे चैतन्य प्रदर्शनी के चित्र तुम्हारी बुद्धि में होंगे और उनकी समझानी देंगे तो कोई ना कोई कुछ न कुछ जरूर सुनते हैं। तो सुनते हैं तो थोड़ा दिल हटाते हैं बाहर की दुनिया से। तो क्या होगा रिजल्ट? क्या होगा? प्रजा तो बन जाएगी, है? यथा राजा तथा प्रजा बन जाएगी। कोई भी धंधे वाला, कोई मिठाई वाला हो तो भी उनको बोलो हम ये है सबसे फर्स्ट क्लास मिठाई,
ज्ञान की टोली देते हैं। खाने की हो यानी स्वर्ग तो कम थोड़े ही है बच्चे, भले कितने अच्छे अच्छे समझू ज्ञान सुनने वाले, परंतु घर में कोई वो नहीं, गीता का पाठशाला बना के छोड़ते हैं। कौन कौन वो नहीं छोड़ते? जो प्रजा वर्ग में आने वाले हैं वो कोई घर में गीता पाठशाला बना के छोड़ते हैं? वो नहीं छोड़ते। हाँ, गीता पाठशाला बनाने वालों को वो बादशाही तो मिलती है कुछ ना कुछ। उनको याद करने से पाप कट जाएंगे? किनको याद करने से? जो विश्व का बादशाह बनता है, वो बादशाह अगर मुट्ठी में आ गया, बुद्धि में आ गया, तो उसको याद करने से भी क्या होगा? पाप कटेंगे या नहीं कटेंगे? कटेंगे। तो उसमें कोई दूसरे धर्म की बात थोड़ी ही है, क्योंकि वो तो है ही विश्व का बादशाह है, आदि सनातन देवी देवता असल सूर्यवंशी है, धर्म का स्थापक। और ये तो सभी धर्मों के लिए है बच्ची, है तो विश्व कल्याणकारी है। सिकील दे अडॉप्टेड चिल्ड्रन पते रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को एडाप्ट करने वाले शिव बाबा की नमस्ते।